दोस्तों आपने सूजी और मावा की गुजिया खाई होगी, चाशनी वाली गुजिया भी खाई होगी, लेकिन क्या आपने ऐसी गुजिया खाई है जिसमें मावे का इस्तेमाल ही ना हो, लेकिन तब भी आपको ऐसी फील आए कि जैसे इसमें खोया डला ही हुआ है। आज ऐसी ही आपको एक रेसिपी बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है, घर के इंग्रेडिएंट से बनेगी और होली पे मजा ही आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मैदा चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदे का इस्तेमाल किया है। आधा किलो यानी कि 4 कप मैदा लिया है, 125 ग्राम के 4 कप। आधा किलो मैदे में आपको 40 के आसपास गुजिया आराम से मिल जाएंगी। खैर, तो गुजिया में मोइन डालना बहुत जरूरी है, तो मैंने यहाँ पर मोइन के लिए घी का ही इस्तेमाल किया है। दोस्तों घी ही, क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट है, वो बढ़िया टेक्सचर देगा गुजिया में। जो खस्तापन होता है ना, वो घी ही देगा। मैंने यहाँ पर आधा कप घी डाला है और सबसे पहले आप मैदे में घी को अच्छे से मिला लेना, चारों कोनों में अच्छे से। अच्छे से मिलाने के बाद ये देखो, जब आप ऐसे जोड़ोगे ना तो ऐसे जुड़ने लग जाएगा। धीरे धीरे करके आपने पानी डाला है। मैंने पहले आधा कप पानी डाला है, उसको अच्छे से मिलाने की कोशिश करी है और फिर आधा कप और डाला है और उसको अच्छे से मिलाने की कोशिश करिए। दोस्तों एक कप से थोड़ा कम आपको पानी चाहिए होगा, उसमें ही आपका सारा काम हो जाएगा। और उससे ज़्यादा पानी बिल्कुल मत डालना, क्योंकि गुजिया बनाने के लिए हमें थोड़ा सा सख्त आटा चाहिए होता है। ज़्यादा नरम होगा आटा तो गुजिया में बबल्स बहुत आएंगे, सही नहीं बनेगी गुजिया। दोस्तों आप इसको अच्छे से मल लेना, थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आटा थोड़ा सख्त होगा। इसको एक थाली में ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देना कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि आटा जो है वो थोड़ा सा ढल जाए। इतनी देर में हम यहाँ पर अब स्टफिंग बना लेते हैं। अब दोस्तों कुकिंग टेक्निक से मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा, एक ऐसी स्टफिंग दिखाऊंगा गुजिया की, जिसमें आपको मावे वाली फील तो आएगी लेकिन उसमें बिल्कुल भी मावा नहीं होगा। मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, 1 कप सूजी ली है, 1 कप चीनी ली है। इन बेसिक इंग्रेडिएंट्स को ही हम अलग तरीके से डालेंगे और एकदम डिफरेंट रिजल्ट आएगा, आप देखते जाओ। स्टफिंग में साथ साथ ड्राई फ्रूट भी जाएंगे। मैंने बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, किशमिश ली है और पिस्ता ली है। इसके साथ साथ स्टफिंग में आपको 2 से 3 टेबलस्पून मलाई चाहिए होगी। ये दूध की मलाई है, फ्रेश दूध की मलाई ली है मैंने। सूखा नारियल लिया है, आप चाहो तो आप फ्रेश नारियल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैंने सूखा नारियल लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट। खैर चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं स्टफिंग, ये अलग सी स्टफिंग जिसमें मावे वाला टेक्सचर भी आ जाए। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा घी लेना और उसमें ड्राई फ्रूट्स को भून लेना। हाँ, लेकिन ध्यान रहे सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं भुनने। अभी आपने इसमें किशमिश को नहीं भुनना, आपने सिर्फ काजू बादाम और पिस्ता को भुनना है और उनको हाई फ्लेम पर बिल्कुल मत भुनना, लो फ्लेम पर ही भुनना। दोस्तों मैं तो ऐसे करता हूँ कि मैं तोड़ के नहीं भुनता, मैं पूरे पूरे ही भुनता हूँ और फिर बाद में जब वो थोड़े ठंडे हो जाए तो उनको क्रश करना बहुत आसान हो जाता है। गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती और इससे आपका घी भी खराब नहीं होगा। जैसे ही इनमें हल्का सा कलर आने लग जाए, हल्के से ब्राउन होने लग जाए, आप फटाफट से इनको निकाल लेना, क्योंकि इनमें कैरी ओवर कुकिंग बहुत होती है। और किशमिश को आप बिल्कुल मत भूनना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बचे हुए घी में ही आप यहाँ पर पहले डेसिकेटेड कोकोनट को रोस्ट कर लेना। ध्यान रहे एकदम लो फ्लेम पर करना, हाई फ्लेम पर मत करना, ये बहुत जल्दी से रोस्ट होने लग जाता है। आराम आराम से करना, थोड़ा सा कलर जैसे ही आ जाए आप फटाफट से इसको निकाल लेना। तब खुद ही देखो इतनी देर में ड्राई फ्रूट थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, तब आराम से एक बेलन से उनको क्रश कर देना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कहाँ वो चाकू लेके आप काटने बैठोगे, बेटर ये है सीधा बेलन लेना। कड़क कड़क काजू बादाम होंगे, फटाक से क्रश हो जाएंगे और जो मोटे मोटे रह भी जाएंगे उनको चाकू से हल्का सा कट कर देना। और हाँ, किशमिश को कट करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। अब आती है मेन बात कि बिना मावे के स्टफिंग कैसे बनाएंगे। तो मावे में सबसे ज्यादा क्या होता है, फैट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फैट ही डालेंगे, यानी कि देसी घी डालेंगे। कितना देसी घी लेना है, अगर आपने 1 कप सूजी ली है तो आपने आधा कप देसी घी लेना है। आधा कप देसी घी में आप सूजी डाल देना, जो 1 कप हमने ली है उसको आपने अच्छे से भुनना है लो फ्लेम पर। थोड़ी सी मेहनत लगेगी ये करने में, लेकिन उनको अच्छे से ब्राउन कर लेना सूजी। ये देखो आप, क्या बढ़िया सा गोल्डन सा कलर आने लग गया है। बस दोस्तों इस स्टेज तक पकाना है, फिर आपने यहाँ पर चीनी डालनी है। आप बोलोगे भरत भाई ये तो उल्टा हो गया, पहले पानी डालते ना या दूध डालते ना, आपने पहले चीनी डाल दी। जानबूझ के डालिए दोस्तों चीनी। चीनी डालने के बाद इसका टेक्सचर एकदम अलग आएगा, आप खुद ही देखना। ये जो हमने पहले चीनी डाली है ना, ये इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन यही सारा जादू कर रही है इस स्टफिंग में। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्च को फूलने से रोकती है चीनी, और वही सारा टेक्सचर लेकर आएगा दोस्तों। अगर आप पहले यहाँ पर दूध डालोगे ना तो सूजी सारी फूल जाएगी और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। तो ये छोटा सा स्टेप आप करना और देखना, बहुत चेंज आएगा रिजल्ट में।
थोड़ा सा आप चीनी को भून लेना, फिर आप यहाँ पर फटाफट से दूध डाल देना। दूध को अच्छे से मिला देना सूजी के साथ, चीनी के साथ। थोड़ी अभी ये लिक्विडी हो जाएगी तो घबराना बिल्कुल भी मत, आप बस इसको मिलाते रहना, अपने आप ही थोड़े टाइम में गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जब हल्की सी गाढ़ी होने लग जाए, आप यहाँ पर मलाई भी डाल देना, वो जो दूध की मलाई हमने निकाली थी ना 3 चम्मच, ये भी आप यहाँ पर डाल देना और इसको भी अच्छे से मिलाते रहना धीरे धीरे करके, ये थोड़ी गाढ़ी होने लग जाएगी। स्टफिंग में इलायची डालना बिल्कुल मत भूलना, तो यहाँ पर मैंने 5 इलायची को पीस के इसमें मिला दिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कर देना और इनको अच्छे से मिलाने के बाद डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल देना। आप खुद ही देखो इसका टेक्सचर कैसा होता जा रहा है, एकदम सूखता जा रहा है। तो दोस्तों इस स्टेज तक हमें पकाना है। ये है आपकी गुंजिया की स्टफिंग और सीरियसली आपको मावे की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सूजी थोड़ी सी खड़ी खड़ी है, बिल्कुल जैसे सूजी मावा गुजिया में होता है, और हल्की सी सॉफ्टनेस में भी है, जैसे मावे की जो सॉफ्टनेस होती है वो भी है, और फैट तो हमने डाला ही है। तो बिल्कुल दोस्तों मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 95% तक आपको बिल्कुल सेम टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर तेल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है लो फ्लेम पर, और हमारा आटा भी काफी सेट हो चुका है। आप सबसे पहले आटा लेना, देखना आप काफी नरम हो चुका होगा, उसको ऐसे सिलेंडर में रोल कर लेना और डिवाइड कर देना उसको। मैंने आधा किलो लिया है तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब एक एक पार्ट को आपने लेना है और उसको लंबे से सिलेंडर में बनाना। और हलवाई भी ऐसे ही करते हैं कि उनको ऐसे एक लंबे सिलेंडर में बनाकर छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। अब आप ध्यान से देखना, आपको इसका गोला बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर इंडिया का नक्शा भी बना दोगे ना बेलते हुए, तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप बस एक पेड़ा लेना और उसको अपने पाम से ऐसे प्रेस कर देना, प्रेस करने से वो अपने आप ही सेट हो जाएगा और बेलन से आप इसको बेल लेना। अच्छा, मैंने गुजिया मोल्ड लिया है। गुजिया मोल्ड में अपनी शीट लगाने के बाद मैंने कोनों में पानी लगा लिया है। जरूर पानी लगाना, नहीं तो चिपकेगा नहीं। और स्टफिंग डालते वक्त जो गुजिया का मोल्ड है उसको आप ऐसे हल्का सा फोल्ड करना, ताकि सेंटर से थोड़ी डेप्थ मिले और स्टफिंग हम आराम से डाल पाए। बस स्टफिंग डालने के बाद आपने इसको बंद करना है और जितना एक्सेस है उसको निकाल देना है। दैट्स इट, है ना, बहुत सिंपल। गुजिया बनाते हुए जो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है ना, कि होली में पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। एक फैमिली मेंबर बेल रहा है तो 2 लोग मिलकर गुजिया सील कर रहे हैं, तो एक बंदा फ्राई कर रहा है, मजा ही आता है और मिलजुल के काम होता है सारा। खैर एनीवेज, एक करके सारी गुजिया हमारी बन गई है। इनको फ्राई करना है लो फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं करना, गलती से भी मत करना, नहीं तो बबल्स आ जाएंगे। आप खुद ही बोलोगे भरत भाई आपका रिजल्ट ऐसा था, हमारा तो आया नहीं। और अगर आपको हलवाई जैसे बनाने हैं तो मेरी तरह एक अच्छी कढ़ाई लेना, बड़ी कढ़ाई, उसमें तेल डालना और जितनी गुजिया फिट आती है ना उतनी डाल देना। घबराना मत, बस डाल लेना। क्यों इतनी सारी गुजिया क्यों? इतनी सारी आप डालोगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर ड्रॉप होगा ऑटोमेटिकली, लो हीट से धीरे धीरे करके हीट बढ़ेगी, जिससे गुजिया एकदम इवनली अंदर तक बकेंगी और सच में खस्ता बनेंगी। दोस्तों आपने बस फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते, है ना दोस्तों। अल्टीमेट ये देखो आप, कितनी करारी, कितनी खस्ता। तो दोस्तों आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी होली। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आप बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी देखना चाहते हो गुजिया की, तो आप ये वीडियो देखना, आपके बहुत काम आएगी और आपको बहुत पसंद आएगी।